हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल एमपीकेएस यानी फोस्टर के पेपर को देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के पेपर को देखेंगे। ये आपका सेशन जो है जून 2021 के सेशन का, जिसका एग्जामिनेशन अभी बिहेवियरल साइंस का एग्जामिनेशन 29 मार्च को हुआ है, उसके पेपर को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी देखते हैं कि बिहेवियरल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपका डिफिनीशन पूछा गया है। डिफिनीशंस है डोरी, साइकोलॉजी, फैमिली, सोसाइटी, मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, थिंकिंग, स्ट्रेस, लर्निंग, कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट। तो ये 11 डिफिनीशंस पूछे गए जिसमें आप एनी 10 का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से शॉर्ट नोट्स में पूछे गए, इन सभी पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसमें आपको मोटिवेशन, चाइल्ड लेबर, अल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन कल्चर, इन सभी में आप एनी 4 का जवाब दे, ठीक है। इस तरह से आपका नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं, तो ये आपके 5 ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो आप इसे देख लें, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन मेमोरी। आपको मेमोरी से कई साल से आपका मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जा रहा है और मेमोरी से क्वेश्चंस पूछते ही हैं। तो यहाँ पे आपका मेमोरी से डिफाइन मेमोरी आपको 2 मार्क्स और मेमोरी के जो टाइप्स है उसके लिए आपको 3 मार्क्स, और उसके बाद आपको मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेथड्स है उसके लिए आपको 5 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स से आपको मेमोरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में जो आपका पूछा गया है वो आपका डिफरेंस है। आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंस में। फर्स्ट है आपका जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच डिफरेंस लिखने हैं, उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच डिफरेंस लिखने हैं, टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्रस्ट्रेशन में आपको 10 मार्क्स के पूछे गए हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या है और फ्रस्ट्रेशन के क्या कॉजेज है उसको लिखने हैं। इस तरह से आपका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को डिटेल में लिखने हैं, उसके बाद इसकी नर्सेस रोल को भी, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की नर्सेस रोल को भी लिखने हैं, इसके लिए भी 10 मार्क्स। तो ये आपका जो इस बार मार्च में एग्जामिनेशन हुआ है ये क्वेश्चंस है। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। ये जीएनएम फोस्टर का पेपर है, बिहेवियरल साइंस का क्वेश्चंस है, जो कि आप लोग के लिए उपयोग हो। मिलते हैं फिर इस तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।